नमस्ते, मेरे चैनल के धनलक्ष्मी होम कुक में आप सभी का स्वागत है। गरम मसाला बना रही थी, फिर सोचा आपके सामने रेसिपी लेके आते हैं। तो देखिए, ये सारे वेज नॉन वेज में काम आने वाली गरम मसाला है, जो बिल्कुल इजी बना सकते हैं हम गरम में घर में। तो देखिए, शाही जीरा ज़ीरा है, और ये चक्र फूल है, और ये ज़रा से लौंग इलायची और काली मिर्च है, और ये कुछ मसाले हैं, दालचीनी है, ज़रा सा अजवाइन है, और इसमें एक आधा कप धनिया भी लगेंगे, कड़े धनिया, और ज़रा सा एक चम्मच चावल के दाने, जो सब्जी का जो थिकनेस है उसे बढ़ाने के लिए चाहिए रहता है। तो ये सारे को ड्राई रोस्ट करना है। एक कढ़ाई को गरम कीजिए गैस पर, गैस को मीडियम रखिए, ज़रा सा चावल भी डाल दीजिए मसालों के साथ। उसके बाद ये आधा कप जो कड़ा धनिया है इसे भी डालकर अच्छे से फ्राई करना। आँच को बिल्कुल लो रखिए, क्योंकि स्पीड से ज़्यादा तेज नहीं रखना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो इस तरह से इसको हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल कलर नहीं बदलना है, लेकिन रोस्ट हो जाए, अगर इसमें कहीं नमी हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो बस इतना इसको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। आँच को बिल्कुल, गैस को लो रखिए, और इसे ड्राई रोस्ट करके ठंडा कर लेना है। देखिए, ज़्यादा कलर बदला नहीं है, हल्का फुल्का ही। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब एक मिक्सी जार लीजिए, सारे मसालों को इसमें डाल लीजिए। इसे आप नॉनवेज पर सब्जी में डाल सकते हो, या फिर सादा सब्जी, हरी सब्जी में डाल सकते हो। देखिए, कलर के लिए ज़रा सा हल्दी पाउडर ले रही हूँ मैं, और इसे मिक्सी जार में अच्छा बारीक सा पाउडर बना ले। रुकते रुकते चलाइए, और इसे देखिए ये ऐसा पिसा गया। अब इसे एक प्लेट में ले लेते हैं, ताकि ये ठंडा हो जाए। इसे पहले चेक कर लीजिए, कहीं से अगर मोटे दाने हो तो एक बार और चला ले। उसके बाद ये थोड़ा पाउडर गरम है, इसे प्लेट में ले लेते हैं, इसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडे होने के बाद एक हवा बंद डब्बा हो आपके पास, जो भी कांच या प्लास्टिक का, उसमें आप डालें, और इसे महीने भर आपको मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर सब्जी में ये काम आ जाएगा। उतारने के 5 या 2 मिनट पहले आप इसे डालकर, उतारने से 1 मिनट पहले डाल के उतार लीजिए सब्जी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।